हेलो गाइस, वेलकम टू बैक जस्टिस सिंह ब्लॉग। तो गाइस कैसे हैं आप भाई, होप एकदम बढ़िया होंगे। तो गाइस जैसे कि आप सभी ने मेरा महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड प्लांट के जो अंदर मैंने अभी ब्लॉग बनाया था वो आप सभी ने ब्लॉग देखा होगा, और अगर जिसने नहीं देखा तो प्लीज़ यार उसका भी नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है मैंने, तो प्लीज़ यार जाके चेकआउट करो। और गाइस आज का ब्लॉग होने वाला बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग, क्योंकि आज का ब्लॉग होने वाला है हमारे भांगड़े के स्टेप के ऊपर, और आप सभी को भांगड़े के हर एक स्टेप आज मिलने वाले हैं देखने को और सीखने को भी। और आप सभी बस ब्लॉग देखो और सीखो। और गाइस कोई भी आपको कोई भी प्रोग्राम होता है गाइस, आप उस प्रोग्राम में जरूर यार मेरे मतलब जो मैं आपको बताऊँगा स्टेप और वो आप जो सीखोगे, तो गाइस कोई भी उस प्रोग्राम में आपको वो स्टेप करने ही करने हैं। और आज ज़्यादा स्टेप मैं हार्ड नहीं बताऊंगा, आज मेरा ब्लॉग में ये पहला दिन है और जो मतलब कि मैं आज भांगड़े की वीडियो बना रहा हूँ, और इसमें मैं मतलब आपको स्टार्टिंग के कुछ 5 स्टेप बताऊंगा जिसमें कि गाइस वो नॉर्मल स्टेप होने वाले हैं, और आज का ब्लॉग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है और मज़ा आने वाला है आप लोगों को। तो प्लीज़ यार गाइस ब्लॉग में बने रहें और स्टेप सीखे जरूर, और ये ब्लॉग होने वाला है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग, मैं बार बार आपको बहुत बता रहा हूँ। और मिलते हैं अभी जल्दी से जल्दी, देखते हैं और फटाफट मैं भी हो चुका हूँ तैयार, आप तो हो गए होंगे तैयार, तो फिर चलते हैं और देखते हैं। तो गाइस तो अब हो जाओ रेडी और मैं भी हो गया रेडी। तो फिर पहले स्टेप आप सभी को बताता हूँ मैं, जैसे कि आपको पहले हाथों की पोजीशन ले लेनी है, आपको ऐसे करके ये 5 उंगली है, 5 उंगलियों में से आपको ये अंगूठा और ये वाली उंगली को आपको ऐसे करके बना लेना है, और उसके बाद ये दूसरा हाथ, और आपको इसी हाथ के साथ आपको एक हाथ आपको यहाँ पर ऐसे एंगल ले लेना है गाइस, और ऐसे एंगल लेने के साथ आपको पहले स्टेप लेना है 1 2 3 4, फिर ऐसे करने के बाद 1 2 3 4, तो आपको एक बार दिखाता हूँ, 4 ऐसे करके और 4 गाइस ऐसे करके। तो आपको एक बार स्टार्ट बताता हूँ मैं दोबारा से, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो गाइस ऐसे ही आपको कंटिन्यू ये 4 स्टेप करने। तो गाइस अभी बताता हूँ मैं आपको सेकंड स्टेप, और सेकंड स्टेप है ये हमारा उसी के ऊपर है, और इसमें मतलब आपको पोजीशन में पैरों की पोजीशन लेनी है। जैसे कि गाइस आपको बताता हूँ, पहले ये और एक ये हाथ आपका मूवमेंट वाला हाथ होता है जो पीछे से जाता है आपका राइट हैंड, तो फिर उसके बाद आपको ये करना है 1 2, फिर गाइस उसके बाद 3 और 4, साथ में मतलब ऐसे करने के बाद गाइस आपको पैर उठाना है, ठीक है। तो ऐसे करने के बाद मैं आपको बताता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। तो गाइस ऐसे कंटिन्यू करने आपको, और अभी थर्ड स्टेप की। तो हां जी गाइस, जैसे कि थर्ड स्टेप की बात करते हैं, और ये थर्ड स्टेप है हमारा, इसमें आपको क्या करना है, हाथों की मूवमेंट है और पैरों की मूवमेंट है गाइस। जैसे कि हमें अपना हाथ अपना पहले राइट हैंड ऐसे रखना है, और ऐसे करके एक इधर जाएगा तो एक इधर जाएगा, ठीक है गाइस। तो इसमें पैरों की मूवमेंट भी ऐसे करके आपका पीछे जाएगा, ठीक है। तो गाइस हम इस स्टेप को करते हैं, स्टार्ट करते हैं गाइस, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5। तो गाइस आप पैर देखना, करके भी पैर पीछे ऐसे करके पीछे जाए, जैसे कि ये हाथ ऐसे ऐसे करके इधर जाएगा, तो ऐसे ही हाथ ऐसे इधर से इधर आएगा, जैसे ये वाला हाथ इधर आ रहा है तो राइट पैर आपका उठेगा पीछे से, और ये वाला इधर जाएगा तो लेफ्ट पैर उठेगा, ठीक है गाइस। तो एक बार करते हैं, 1 2 3 4 5। तो हां जी गाइस ये आ गया हमारा 4 स्टेप, और 4 स्टेप को भी हम करते हैं, और जैसे कि इसमें हाथों की पोजीशन को आपको ऐसे करके ले लेनी है, इसमें शोल्डर का भी काम है और अपने पैर का काम भी है, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके आपको ये मूवमेंट लेनी नहीं है, मतलब तो अगर आप इसको हाथ इधर करोगे तो आपको पैर पीछे जाएगा, ऐसे करके झुकना है, और ऐसे करने के बाद फिर इधर आओगे तो आपको ये वाला लेफ्ट वाला पैर झुकना है, तो ऐसे करके राइट और इधर लेफ्ट ऐसे करके। तो अब ये करते हैं इसको, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5, ऐसे ही पैरों की मूवमेंट होती है इसमें, जैसे कि पैर भी दिखाता हूँ आपको, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5। तो आपके हाथ भी ऐसे करके पीछे जाने चाहिए,
ठीक है गाइस। तो अब उसके बाद हम फाइव स्टेप, जो फाइव स्टेप है वो भी पूरा। तो हाँ जी गाइस, आप करते हैं पांचवें स्टेप की तैयारी, और पांचवा स्टेप भी बहुत अच्छा है, और इसमें कि आपका ये वाली पोजीशन होगी, आपका पहला राइट हैंड के नीचे होगा आपका लेफ्ट, और इसी के साथ आपको पैर उठाना होता है, और इधर की इसी के बाद इधर आपको लेफ्ट हैंड में रखना है, पहला राइट हैंड में फिर लेफ्ट हैंड में, लेफ्ट का ही लेफ्ट हैंड होगा और लेफ्ट का ही राइट का राइट हैंड होगा और राइट पैर होगा, ठीक है। तो इसी के साथ आप इस मूवमेंट को करते हैं और करके देखते हैं कैसा लगता है। तो इसी के साथ गिनती के साथ इसको पहले करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, मतलब गाइस ऐसे करके आपको पैर उठाते वक्त हाथ भी छोड़ने हैं, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ऐसे करके मतलब पूरा ही कंटिन्यूली ऐसे करना पड़ता है आपको स्टेप। तो स्टार्ट हो गए, तो गाइस चलते हैं और देखते हैं करते हैं। तो पहले स्टार्ट के साथ, तो म्यूजिक स्टार्ट। तो हाँ जी गाइस, जैसे कि आप सभी ने आज भांगड़े के पांच स्टेप सीखे हैं, और अगर आपको पांचों में से कोई सा स्टेप अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ यार कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो को लाइक करना और शेयर करना, और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो चैनल को सब्सक्राइब करना, नीचे इंस्टाग्राम का लिंक भी आ रहा है प्लीज़ जाके फॉलो करना, और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करो, मैं आप हर वीडियोज़ में बोलता हूँ और इस वीडियो में बोल रहा हूँ। तो और नीचे महिंद्रा वाले ब्लॉग का भी नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो प्लीज़ यार उसको भी जाके चेकआउट करो। और गाइस आज आपके पांचों भांगड़े के स्टेप पूरे हो चुके हैं, तो फिर कोई नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, तो गाइस उसमें आपको देखने के लिए मिलेगी कोई नेक्स्ट स्टेप और न्यू स्टेप के साथ। फिर मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय फ्रेंड्स।